खबर बुरहानपुर से है, जहां धनतेरस के पावन अवसर पर 200 वर्ष प्राचीन स्वामी नारायण मंदिर में माता लक्ष्मी जी के कुमकुम से भरे चरणों के दर्शन होते हैं। यह अद्वितीय दर्शन केवल आज के दिन ही संभव है। आज धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी हमारे घरों में विराजती हैं। स्वामी नारायण मंदिर में माता लक्ष्मी जी के चरणों के दर्शन करने से भक्तों को धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इन कुमकुम को माथे से लगाने से धन की कमी नहीं रहती। भक्तों की आस्था और श्रद्धा का यह अनोखा प्रदर्शन है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर में पहुंचती है। माता लक्ष्मी जी के चरणों के दर्शन करने के लिए यह एक अद्वितीय अनुभव है, जो भक्तों को आध्यात्मिक और धार्मिक अनुभव प्रदान करता है। जिले के इस स्वामी नारायण मंदिर के पुजारी और भक्त इस पावन अवसर पर विशेष पूजा अर्चना करते हैं। माता लक्ष्मी जी के चरणों के दर्शन करने के बाद भक्त अपने घरों में लक्ष्मी पूजा करते हैं और समृद्धि की कामना करते हैं। तो देखा गया कि बुरहानपुर के इस मंदिर में जो है पावन लक्ष्मी जी के चरण के दर्शन केवल एकमात्र आज धनतेरस के दिन होते हैं। क्या महत्व है इसका? आज धनतेरस है, धन त्रयोदशी भी कहलाती है। आज लक्ष्मी जी अपने चारों भुजाओं के साथ अपने भक्तों पर प्रसन्न रहती है। गर्भलक्ष्मी जी को प्रसन्न किया जाए तो अपने भक्तों के घर की समृद्धि की वृद्धि कर देती है और अपने भक्तगणों पर इतनी कृपा करती है कि कभी भी वह दुखी न रहे। और आज लक्ष्मी जी स्वयं चलकर उनके घर पर पधारती है, इसलिए लक्ष्मी जी के चरण आज के दर्शन होते हैं। साथ में लक्ष्मी जी के प्रसादी का जो कुमकुम है, भगवान स्वामीनारायण भगवान ने कहा है कि अगर भाल पर कुमकुम लगाना हो तो प्रसादी भूत कुमकुम ही लगाना और प्रसादी भूत चंदन ही लगाना, इसके अतिरिक्त लगाना नहीं है। आज धन त्रयोदशी है तो सब भक्तजनों के लिए आज लक्ष्मी जी के चरण के दर्शन लाभ प्राप्त हुआ।